अफगानी पुलाव, सादा अफगानी पुलाव बनाने जा रही हूँ, इसको आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। मीट वाला अफगानी पुलाव मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, वो आप लोग मेरे चैनल में देख सकते हैं। ये प्लेन अफगानी पुलाव है, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, ज़रूर पसंद आएगा। तो चलिए आइए मिलकर अफगानी पुलाव बनाते हैं। ये अफगानी पुलाव के लिए मैंने ये 1.5 किलो के करीब चावल लिया है, जिसको मैंने पानी में भिगो के रख दिया है। इसको कम से कम 30 to 45 मिनट सोक करके रखेंगे, फिर हम इसको कुक करेंगे। और ये रेजन्स है, किशमिश, ब्लैक रेजन्स है, ये मैंने वॉश करके रख लिया है, इसको हमने फ्राई करना है। ये कैरेट, गाजरें, इसको भी मैंने लंबी लंबी काट के वॉश करके रख लिया है। ये शुगर है, चीनी, ये हम चावलों में भी डालेंगे और ये कैरेट भी फ्राई करते वक्त डालेंगे, तो आप अपने हिसाब से 6 to 8 टेबलस्पून लिया है मैंने। अब जितना यूज़ होगा आप अपने हिसाब से कर लीजिए। सॉल्ट 1.5 टीस्पून, नमक, गरम मसाला पाउडर, ऑल स्पाइस पाउडर 1 टीस्पून, इलायची पाउडर, कार्डमम पाउडर 2 टेबलस्पून, और ऑयल, ऑयल हम 2 कप यूज़ करेंगे। 1 कप हम राइस में डालेंगे और 1 कप हम ये कैरेट और रेजन्स को फ्राई करने के लिए यूज़ करेंगे। तो चले, जब तक ये चावल जो है ये सोक होते हैं, हम ये कैरेट और रेजन्स को फ्राई कर लेते हैं। ये हमने इसमें ऑयल डाल के ऑयल गरम कर लिया है, अब ये कैरेट फ्राई करेंगे। ये कैरेट की चावलों में कोई क्वांटिटी ऐसी खास नहीं है, आप चाहें तो ज़्यादा कैरेट भी डाल सकते हैं, आप चाहें तो कम कैरेट भी कर सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने इसमें ही डालना है। मैंने 1.5 किलो में 3 से 4 कैरेट लिए। अब ये 4 से 5 मिनट तक कैरेट फ्राई हो चुके हैं। अब देखें, अब ये जब ये इस फॉर्म में आ जाए, सॉफ्ट हो जाए, देखें ये टूट रही है। तो अब हम इसमें 2 टेबलस्पून के करीब या 3 टेबलस्पून आप में शुगर ऐड कर लें। और तो फिर अच्छे से मिक्स करें। और बस जैसे ही शुगर इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए, हम इसको उतार लेंगे, निकाल लेंगे प्लेट में। अभी शुगर अच्छे से मिक्स हो गई है, अब हम इसको निकाल लेंगे। सेम ऑयल में हम रेजन्स यानी किशमिश फ्राई करेंगे। रेजन्स को जब आप वॉश करें तो इस बात का ख्याल रखें जिसके सामने जो डंडी होती है वो आप वॉश करते वक्त निकाल लें।
ये देखिए ये अब फूलने लगी है, तो जब ये फूलने लगे अपना साइज बढ़ाने लगे तो समझिए ये फ्राई हो गई है, फिर हम इसको निकाल लेंगे। ये देखिए ये सब फूल चुकी है। अब हम इसको निकाल लेंगे। चूल्हा बंद कर दिया है। ये ऑयल भी हम रखेंगे और इसको चावलों के ऊपर एंड में डाल देंगे। अब ये देखिए गाजरे और ये दोनों चीज फ्राई होके निकल आएंगे। ये हम देखिए में सबसे पहले ये शुगर डालेंगे 3 टेबलस्पून। और इसको कैरमलाइज करेंगे। इसको उस वक्त तक कुक करेंगे जब तक ये बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में ना हो जाए। ये देखिए पूरा कैरमलाइज हो गया है। अब हम इसमें वाटर ऐड कर देंगे, पानी। बस आप ऐसे मिक्स करें, सारा शुगर जो है पानी में आ जाएगा। इसमें 2 कप पानी और ऐड करेंगे और फिर इसमें इसको बॉईल होने के बाद इसमें चावल ऐड कर देंगे। अब ये पानी बॉईल हो गया है, हम इसमें राइस ऐड कर देंगे। पहले ही इसमें नमक सॉल्ट ऐड करेंगे। अब इसमें ये राइस ऐड कर देंगे जो हमने भिगो के रखे हुए हैं। इस बात का ख्याल रखें कि जो चावल है और पानी पानी जो है वो चावलों से कम इतना ऊपर होना चाहिए। ये आपकी जो ये पहली आ रही है ना फिंगर की, इतना पानी ऊपर होना चाहिए चावलों से। अब हम इसको कवर करके कुक करेंगे जब तक ये पूरा पानी ड्राई ना हो जाए। हम कैरेट्स और रेजन जो है ये इसको फॉइल में लपेट के चावलों के साथ दम के लिए रख देंगे।
ये राइस हो गया है। अब इसमें हम ऊपर से ऑयल गरम करके डालेंगे। ये हम इलायची पाउडर डालेंगे पहले इसमें। ये गरम मसाला पाउडर, ये उसी ऑयल में हमने जो कैरेट जिसमें फ्राई किया था उसी में थोड़ा सा ऑयल और डाल के अब इसको हम गरम करेंगे और फिर अब इस ऑयल को हम इन चावलों में ऐड कर देंगे। ये ऑयल गरम हो गया है, अब हम इसको चावलों में डाल देंगे। अब इसको 15 मिनट के लिए दम पे छोड़ देंगे और साथ में ये गाजरे और किशमिश भी इसी में डाल देंगे। ये राइस भी अब तैयार हो गए, हम इसको डिश आउट करें। ये प्लेन अफ़गानी पुलाव तैयार है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, आप लोगों को सबको ज़रूर पसंद आएगा। अगर इसमें मैंने गोश्त नहीं डाला है, अगर आपको गोश्त वाला अफ़गानी पुलाव की रेसिपी चाहिए तो वो ऑलरेडी मेरे चैनल में मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं। ये प्लेन अफ़गानी पुलाव है विदाउट मीट, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, ज़रूर पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। Keep watching my videos and don't forget to click bell icon for future recipes. Thank you for watching my videos. Bye.